नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज है संडे और आज के दिन मैं आपको देने वाला हूँ दो डू फॉलो बैक लिंक्स। ठीक है, इस वीडियो में आपको दो यूआरएल्स मिलेंगे जहाँ से आप जाके 100% डू फॉलो बैक लिंक बना सकते हैं। ये जो यूआरएल्स हैं वो ज़्यादा हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स नहीं है, बट फिर भी ओके है, स्पैम फ्री वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्पैम नहीं है, एक या दो आपको मिलेगा हार्डली स्पैम इसको, जो कि नॉन कंसिडरेबल माना जाता है, उतने को स्पैम इसको नहीं मान सकते आप उतना। फिर भी अगर आपका दिल करे तो बनाइए, यहाँ से नहीं मन करे तो आप नहीं बनाइए, किसी तरह कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये आप वीडियो देख रहे हैं आज, आपको हो सकता है यहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो आदमी इसको 2-4 महीने या 6 महीने बाद देख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से बैकलिंक नहीं मिले उनको, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये वेबसाइट के ओनर ने हो सकता है कुछ चेंजेस किए हो, डू फॉलो की जगह नो फॉलो कर दिया, फिर आर्किटेक्चर में कोई चेंज हो, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि किस तरह से उस साइट को मैनेज करते हैं। आज की डेट में आप यहाँ से बना सकते हैं, मैं उसका फुल डेमो दिखाऊंगा कैसे बनाना है आपको। उसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिए कि आपको बनाना है नहीं बनाना है। हो सकता है अच्छे मेरे पास नहीं बना पाए, तो थोड़ा बहुत आप R&D कीजिए कि कैसे बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइएगा, और अगर आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला URL जो है meanpony.com है। ये जो वेबसाइट है वो बेसिकली एक तरह का मल्टी मीडिया ब्लॉग और इमेजेस से रिलेटेड वेबसाइट है। फाइन, सबसे पहले यहाँ बनाने से पहले आपको दिखा दूँ कि इसका स्टैटिस्टिक क्या है, कितना DA है और इसका स्पैम स्कोर कितना है। इसको मैंने चेक किया था अभी, इसका DA है जो है 22 है और स्पैम स्कोर 2 है। आपके सामने फिर से एक बार एनालाइज कर ले रहा हूँ आप, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह का, स्क्रीनशॉट नहीं है जो भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 ही आ रहा है और 2 है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनाना है इसको। अब बनाने के लिए आपको जाना है इसके होम पेज पे, जो URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे आप आएंगे आपको इस पेज पे आ जाइएगा, बहुत सारे पेजेज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, किसी भी पेज पे नेविगेट करके जा सकते हैं आप। और जब ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो ऐड न्यू एंट्री का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे आप ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, आपको 5 या 6 फील्ड्स आएंगे जिनको आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया, लोकेशन हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, होम पेज, होम पेज में जो लिंक डालेंगे वही आपका बैकलिंक बनेगा। और यहाँ पे आप रेटिंग जो भी देना चाहे दे सकते हैं, कुछ मैसेज लिखना है मैसेज लिख देंगे, और कोड जो है यहाँ पे आप डालिए उसको, यहाँ पे इस कोड को यहाँ नीचे टाइप किया और सबमिट कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। तो आपके सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लोकेशन जो है वो बैंगलोर डाला मैंने, और यहाँ पे कुछ भी आप अपना डेमो ID जो भी ईमेल ID डालना है दे दीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपका होम पेज में आपको मैं URL उठा ले रहा हूँ, पेस्ट किया, और यहाँ पे थैंक यू लिखे, कोई कमेंट लिख देना, आपने आपको जो भी लिखना आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी मीनिंगफुल लिखिए। मैं आपको दिखाने के लिए जो है वो ये लिख रहा हूँ, बाकी जो कोड है यहाँ पे डालिए और सबमिट कर दीजिए इसको। इनवैलिड सिक्योरिटी कोड गलत कुछ डाल दिया मैंने, कोड 2KYZD, यहाँ पर हमारा सबमिट, लेट्स सी, ये हो गया यहाँ पे थैंक यू सबमिट। और यहाँ पे जो होम का आइकॉन देख रहे हैं आप, ये बना आपका डू फॉलो बैकिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे हमारी साइट पे। ठीक है, हमारी साइट पे आ गए तो आपको दिखाता हूँ हमारी सर्विसेज, आवर डिजिटल अकेडमी में जाएंगे आप, आवर सर्विसेज में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकलिंक बाई कर सकते हैं, GUI बैकलिंक बाई कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, और वेबसाइट रैंक कैसे कराना है वो भी करना है। इससे प्राइस बढ़ गया, 15K हो गया इसका। किसी भी साइट को एनालिसिस करना है वो भी करते हैं, और किसी कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है उसका पूरा डिटेल आपको देंगे, ताकि आपको जो है उसको फाइट करने में उससे आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे पूरा रिव्यू वगैरह लिखा हुआ है, जिन्होंने सर्विस लिए उनकी रिव्यू दी हुई है, तो आप उनको रिव्यू देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी वेबसाइट है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ये होम पेज पे बटन जो बना है इसका, ये डू फॉलो है नो फॉलो है। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट कीजिएगा इसको, इस तरह से होम पेज को क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं इमेज है, ये होम का बटन जो आ रहा है वो एक इमेज है, उसको इमेज का ये लोकेशन दिया हुआ, ऑल टेक्स्ट दिया हुआ, टाइटल दिया हुआ है, और फाइनली जो है ये हमारा जो हमारा यहाँ पे URL दिया हुआ और टारगेट ब्लैंक दिया हुआ। टारगेट ब्लैंक मतलब नेक्स्ट पेज में खुलेगा, दूसरे टाइप में खुलेगा। यहाँ पे किसी तरह का UGC यानी कि यूजर जनरेटेड नहीं लिखा हुआ, या फिर कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, या तो फिर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। ठीक है, तो ये हमारा एक URL था जिसमें आपको कन्फर्म हुआ कि ये डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा। अगली जो हमारा जो दूसरा जो हमारा URL है वो है कमेंट के थ्रू कैसे बनाना है। यहाँ पे ये URL भी आपको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे इस URL को पे जाने से पहले मैं आपको इसका स्टैटिस्टिक दिखा देता हूँ। ये URL का नाम है, ये URL डाला हुआ, इसका डोमेन अथॉरिटी 30 है, जिसका स्पैम स्कोर 2 है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2 कोई बहुत बड़ा स्पैम स्कोर नहीं होता है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यस में 1 या 2 बैकलिंक इनके जो है वो गलत बने हुए हैं,
जिसकी वजह से स्पैम इसको 2 हो गया। अगर इस बंदे ने डिसअवाउ किया होगा तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो है स्पैम इसको 0 हो जाए इसका। अब बात करते हैं कैसे करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो वेबसाइट का नीच है वो बेसिकली एक तरह का ये है, क्या बोलते हैं, रेसिपी से रिलेटेड कुछ इनका कुछ जो ये है आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें। अब इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, कमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे कि हाँ लोगों ने कमेंट किया है गंदे तरीके से, उस तरह से आपको नहीं करना है। वैसे भी ये कमेंट बना नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पे जब स्टार्टिंग से लास्ट में आप जब आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे किसी ने लास्ट में 16 फरवरी को, आज उसने, आज हमारा 16 तारीख है संडे, ठीक है, आज की डेट में किसी ने यहाँ पे बैकिंग बनाया है। तो आपको क्लिक हियर जो देखेंगे, हियर पे एक लिंक बना हुआ है, जैसे हियर पे क्लिक करेंगे आपको जाएगा ये अपने इस वाले पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे भी आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, जो भी डालना डाल सकते हैं। अब यूआरएल में आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल डालिए, और कमेंट में जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द रेसिपी, क्या बोलते हैं रेसिपी का स्पेलिंग क्या, आई डोंट नो, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफाई में करना तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये जो बनेगा आपका डू फॉलो बैक लिंक बनेगा, पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे पोस्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, जो टॉप पे, सॉरी टॉप पे नहीं, लास्ट में आएगा, ये नीचे ड्रैग करके आइए बिल्कुल, यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार के नाम पे आपको ये बना। अब यहाँ पे क्या है ना, एक हैक है, उसको आप बता सकता हूँ कि क्या है वो। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो नाम में जो है आप अपना यहाँ पे ये लिख दीजिए, अवार्ड डिजिटल अकेडमी, यहाँ पे ईमेल आईडी Ctrl+X, यहाँ पे यूआरएल डालिए, यहाँ पे थैंक यू, ठीक है। अब ये जो है इस एंकर टेक्स्ट पे, यानी कि आप नेम की जगह अपना कीवर्ड डालते हैं, तो आप बना सकते हैं कीवर्ड के ऊपर एक बैकलिंक। पोस्ट कमेंट कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा सेव, और फिर इसको लास्ट में ड्रैग करके आप आके देख सकते हैं कि थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे और डिजिटल अकेडमी बना है और एक दिलीप कुमार में बना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है, ठीक है। यहाँ पे गए इसको, अरे भाई अब ये स्टक हो गया थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आइए, यहाँ जाइए और डिजिटल अकेडमी पे जब क्लिक करेंगे आप, तो ये रहा आपका एचआरएफ टैग, जिसके अंदर जो है वो डेट, ये जो डेट टाइम आ रहा है, इसको आपको एडिट करके मैं दिखा रहा हूँ कैसा दिखेगा। ये बेसिकली स्पेस आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, छोड़िए उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह कोई यूजीसी नहीं लिखा हुआ, ना ही स्पॉन्सर लिखा हुआ, ना ही नो फॉलो लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% डू फॉलो बैकलिंक है ये। और ये तभी मैं बताता हूँ जब मैं क्रॉस चेक करके देख लेता हूँ कि हाँ ये डू फॉलो लोगों को मिला हुआ है, तभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है, 100% डू फॉलो बैकलिंक है, डेफिनेटली आपको यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है जब तक ये इंडेक्स नहीं होगा, आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, दो मैंने बैकलिंक दिए इसमें, दोनों को जाइए बनाइए, मैं शाम को कमेंट देखूंगा आके कितने लोगों ने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखूंगा कि कितने लोगों ने बनाया है। जितने लोगों ने बनाएंगे कमेंट कीजिएगा कि आपका सही से बना या नहीं बना। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कीजिएगा, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।